हेलो एवरीवन। तो फाइनली लंबे इंतज़ार के बाद रेलवे एनटीपीसी 2024 की जो वैकेंसी है वो आपके सामने है। 2019 के बाद यानी कि 5 वर्षों के बाद आपके सामने यह वैकेंसी है। तो आज के इस वीडियो के थ्रू हम लोग जोन वाइज वैकेंसी को जानेंगे कि रेलवे एनटीपीसी में 2024 में जोन वाइज वैकेंसी क्या है, किस रूप में है और कुल मिलाकर कितनी अंडर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट यानी कि 12th लेवल की पोस्ट है और कितनी वैकेंसी ग्रेजुएट लेवल की है। तो आज की इस वीडियो में आप लोग बने रहना, साथ ही साथ हम लोग जान सकेंगे कि एज लिमिट आपकी क्या रहेगी रेलवे एनटीपीसी में। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आप लोगों के लिए हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ फॉर्म अप्लाई करने की जो डेट है वो किस रूप में है और एग्ज़ाम डेट आपकी कब की रहनी है रेलवे एनटीपीसी की, वो उससे भी हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना। फिर चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि नोटिस जो है वो किस रूप में है। उसके बाद हम लोग हर एक प्रश्नों के जवाब को जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना। फिर चलिए हम लोग चलते हैं उस इम्पॉर्टेंट नोटिस पे। हम लोग उस नोटिस पे आ चुके हैं, आप लोग यहाँ डेट पढ़ सकते हो, न्यू दिल्ली डेटेड 24/7/2024। इसमें जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसमें कहा जा रहा है नॉन टेक्निकल पॉपुलर जो कैटेगरी है अंडर ग्रेजुएट लेवल और ग्रेजुएट लेवल की, उसकी जो वैकेंसी है वो किस रूप में रहनी है, उसे लेकर वीडियो इम्पॉर्टेंट है, उसे लेकर नोटिस इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो और आप लोगों के लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पर है। पॉइंट नंबर ए में आप लोग पढ़ सकते हो कि नॉन टेक्निकल जो पॉपुलर कैटेगरी यानी कि एनटीपीसी की अंडर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है यानी कि 12th लेवल की जो पोस्ट है वो किस रूप में है। आप लोग यहाँ पढ़ोगे, नंबर वन पे आपका है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट का, जो कि नॉन सेफ्टी कैटेगरी का है। यहाँ पे नंबर टू देखोगे कम टिकट क्लर्क का है, नॉन सेफ्टी से है, ये भी है आपका जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। और यहाँ पे ट्रेन क्लर्क, यहाँ पे वैकेंसी देखोगे 361 वैकेंसी यहाँ पे अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की है, 1985 वैकेंसी यहाँ पे कम टिकट क्लर्क की है और 990 वैकेंसी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की और 68 वैकेंसी ट्रेन क्लर्क की। कुल मिलाकर 3404 वैकेंसी 12th लेवल की है यानी कि इसके लिए ग्रेजुएट लोग भी अप्लाई कर सकते हैं और जो 12 पास आउट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब नंबर दो पे आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट है पॉइंट नंबर बी देखोगे, नॉन टेक्निकल जो पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है वो किस रूप में है। आप लोगों के लिए नंबर वन सीरियल नंबर पढ़ोगे गुड्स ट्रेन मैनेजर यानी कि गुड्स कार्ट की जो वैकेंसी है वो इस रूप में है, सेफ्टी कैटेगरी से 2684 वैकेंसी यहाँ पर रिपोर्ट की गई है। नंबर दो पे स्टेशन मास्टर है, जो कि सेफ्टी कैटेगरी में देखोगे 963 वैकेंसी रिपोर्ट की गई है। और चीफ कम टिकट सुपरवाइजर है, जो कि नॉन सेफ्टी कैटेगरी से 1737 वैकेंसी है। नंबर फोर पे देखोगे जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की नॉन सेफ्टी कैटेगरी 1371 वैकेंसी है। और नंबर फिफ्थ पे देखोगे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की नॉन सेफ्टी कैटेगरी से 725 वैकेंसी है। कुल मिलाकर 7479 वैकेंसी है यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल की। और यदि मैं अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट को ऐड कर दूं तो कुल मिलाकर 10884 वैकेंसी आपके सामने है। अब आप लोग यहां पे देख सकते हो जो भी यहां पे सीबीटी होगा वो किस रूप में होना है, उसके बारे में अपडेट किया गया है। और साथ ही साथ यहां पे अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट है वो जोन वाइज किस रूप में है, जोनल रेलवे देख सकते हो आप लोग सेंट्रल में क्या है, बिलासपुर मुंबई में 36 है यहाँ पर, बिलासपुर में मुंबई में 36, कुल मिलाकर 28 यहाँ पर देखोगे, भुवनेश्वर में है, सिकंदराबाद में, और टोटल मिलाकर 28 यहाँ इस तरीके से यहाँ पे वैकेंसी है, अपडेट है जोन वाइज और यहाँ पे पोस्ट आपको दिख रही है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ग्रेजुएट लेवल की ये सभी पोस्ट है और ये अंडर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो और यहाँ पे डिटेल दिया गया है कि जोन वाइज वैकेंसी किस रूप में है। आप लोग यहाँ भी पढ़ सकते हो RDSO जो भी प्रोडक्शन यूनिट का है वो इस रूप में है। कुल मिलाकर 10884 वैकेंसी आपके सामने है। आप सभी कैंडिडेट्स के लिए गुड न्यूज है। अब हम लोग चलते हैं उस सवाल पे जो कि आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और आप लोगों की इंतजार की घड़ियां यहाँ कर समाप्त होती है, क्योंकि आपको 100% एक्यूरेट ऑथेंटिक वे में यहाँ पे जवाब मिलना है। तो चलिए हम लोग प्रश्न को जानते हैं। अब यहाँ आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट है नंबर वन सवाल, एज लिमिट क्या होगी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो आप लोग देखो RRB NTPC में जो एज लिमिट होनी है वो 33 ईयर्स की होनी है यानी कि 33 वर्ष तक आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो अनरिजर्व कैटेगरी से। OBC कैटेगरी हो तो इसमें 3 वर्ष को आप लोग ऐड कर सकते हो और SC या फिर ST कैटेगरी हो तो आप लोग इसमें 5 वर्ष यानी कि 38 ईयर्स तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो रेलवे NTPC 2024 के फॉर्म को। यदि मैं ग्रेजुएट लेवल की बात करूँ
और 12th पोस्ट डिटेल की तो आप लोगों ने देखा वीडियो में कि किस रूप में वैकेंसी है। और यदि मैं फॉर्म अप्लाइंग डेट की बात करूँ या फिर एग्ज़ाम डेट की बात करूँ तो आप लोग देख सकते हो आप लोगों को जो फॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा यानी कि नोटिफिकेशन जो मिलेगा वो अगस्त के लास्ट वीक में मिल जाएगा, यानी कि अगस्त से लेकर सेप्टेम्बर कम्प्लीट आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एक महीने तक आसानी से आप लोग रेलवे NTPC का फॉर्म अप्लाई करोगे। और आपका जो एग्ज़ाम होना है वो दिसंबर से लेकर जनवरी तक कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर लास्ट से लेकर जनवरी तक कंडक्ट करा लिया जाएगा। यानी कि अभी आपके पास कुल मिलाकर यदि मैं बात करूँ तो 4 से 5 महीने का टाइम है, आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हो। आपको हमारे चैनल पे हर एक प्लेलिस्ट मिलेगा, लास्ट ईयर का जो आपका NTPC CBT 2 का पेपर हुआ था उसका रीजनिंग का सोल्यूशन, मैथ्स का सोल्यूशन, हर एक टॉपिक का सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे विजिट करके वहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग के हर एक सवालों को, हर एक कॉन्सेप्ट को आसानी से पढ़ सकते हो, उसका बेनिफिट ले सकते हो। आज के इस वीडियो में यहीं तक, उम्मीद करता हूँ आप सभी कैंडिडेट्स के लिए आज का वीडियो इंपॉर्टेंट रहा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर करना। थैंक यू सो मच एवरीवन।